आ गया शनिवार का दिन, फिर से आपके लिए लाई हूँ एक ऑफिस टिफिन। ऑफिस में अक्सर हम जब टिफिन भेजते हैं तो हम चाहते हैं वो पूरी अच्छे से खाकर आए और उसकी डिमांड भी बढ़े, और हम ये चाहते हैं कि उनको हर चीज खाने को भी मिले। जैसे कि वो कई सब्जियां नहीं खाते हैं तो किस तरीके से खाएं, इसलिए हम इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी सब्जियां जो मुझे बनानी है उन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने उसे पोंच लिया। अब मैंने छील लिया। यहाँ मैं आलू कतली बना रही हूँ। आलू कतली बनाने के लिए मैंने 3-4 आलू लिए हैं, जिसे मैंने धोकर पोंच के और मैंने इस तरीके से स्लाइस किए हैं, नाइफ से ही किए हैं। मतलब बहुत ज्यादा मोटे नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पतले नहीं चाहिए, एक से चाहिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल डालकर थोड़ा सा नमक डालकर इसे ढक दिया है, जिससे ना इसका कलर चेंज हो जाए। जो एक महक आती है ना सरसों के तेल में, वो मैं नहीं चाहती थी, तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा पका देती हूँ। ये देखिए, जब भी मैं सरसों के तेल को इस तरीके से पका देती हूँ ना, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। थोड़ा सा नमक डालने से ये सारा काम बढ़िया हो जाता है, जिसकी वजह से ये खा लेते हैं, वरना मेरे हस्बैंड सरसों के तेल की स्मेल को सहन ही नहीं कर पाते। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप आलू डालेंगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सरसों के तेल में पीला पीला सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर आलू डाला है। आलू डालकर मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाएं, और ऐसा भी नहीं कि वो कच्चे रह जाएं। आलू ऐसे चाहिए जैसे 80% कुक हो जाएं और टूटे भी नहीं। साइड से मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ, वो है लौकी। जी हाँ, लौकी। अगर लौकी के कोफ्ते अगर आपने इस तरीके से बनाए तो यकीनन बच्चे बड़े सभी खाएंगे। लौकी को मैंने छील लिया और छीलने के बाद मैंने उसे इस तरीके से ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद, और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, ना ही इसका पानी स्क्वीज करूंगी। ये पानी समेत ही बनेंगे कोफ्ते, और बिना तले ये कोफ्ते बनेंगे। आलू भी साइड से मैं देख रही हूँ, 80% कुक हो चुके हैं, ये टूटे भी नहीं है, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप पूरे अपने हिसाब से इन्हें बनाइए। जब भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या मैंने 3-4 उसी ऑयल में 3-4 सूखी साबुत लाल मिर्च ली, उन्हें फ्राई करके अलग कर दिया। अब सबसे पहले हमें आलू निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा जीरा और हींग डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक लंबा कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। दोनों प्याज को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, करीब करीब 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट पकाने के बाद जो सूखी साबुत लाल मिर्च थी उन्हें मैंने तोड़ के इस तरीके से डाल दिया है, और मैंने आलू भी इसी में डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने भर के कसूरी मेथी डाल दी है, नमक स्वाद अनुसार डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। मेनली मैं 4 मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कोई गरम मसाले वगैरह घर के खाने में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, और किसी किसी में डालना पड़ता है तो वो अलग बात है। अब इस सब्जी में आप चाहें तो 2 टमाटर या 1 टमाटर बारीक करके डाल सकते हो, पर जब मैं आलू की कतली इस तरीके से बनाती हूँ तो इसमें या तो 2 चम्मच इमली का पानी डालती हूँ या फिर नींबू का रस डालती हूँ। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना आलू कतली, तो बहुत ही स्वाद बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप देखिए, आलू भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। अब ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। ऊपर से लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्चें। तो लीजिए, आलू कतली तो बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं लौकी के कोफ्ते बनाने। आपके यहाँ इस आलू कतली को क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे यहाँ इसको आलू स्लाइस या आलू कतली बोलते हैं। लौकी भी बहुत अच्छे से मैंने ग्रेट कर ली है। अब इसमें मैं डालूंगी बेसन। बेसन के 1/4 कप साइज का कप है मेरे पास, वो मैंने 3 कप डाल दिए हैं, करीब 1/4 कप के आसपास, क्योंकि बड़ी लौकी थी। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे इसी लौकी के पानी में इसको मिक्स करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ, 4 कप लौकी है तो 1 कप मुश्किल से उसमें बेसन डले, मतलब 1 कप से भी कम। तो ऐसा होता है ना जब रेशो, तो बहुत ही बढ़िया ये इसका स्वाद बनता है, और अंदर से जब खाते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे मैंने अप्पे मोल्ड को रख दिया है। अप्पे मोल्ड ना हो तो तवे पर भी कभी कभी मैं टिक्कियाँ जैसे बना लेती हूँ, और कभी कभी फ्राई भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर आज मुझे फ्राई नहीं करना है।
आपको एक बहुत बढ़िया पराठा बताऊंगी, वो आप बच्चों को भी जरूर बना के दीजिए। इस बहाने बच्चे सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को भी मिले, हम यही चाहते हैं। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो हम कोशिश करें कि ऐसे खाने में कुछ ऐसी चीजें जरूर डालें जिससे बच्चे जरूर खा लें। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए मैं अपने मोल्ड में इन कोफ्तों को बनाती जा रही हूँ और मीडियम आंच पे पकाऊंगी जिससे अंदर से बिल्कुल भी इसका कच्चापन ना रहे। जब ये फ्राई होते जाए तो मैं इन्हें निकालती जा रही हूँ। इसी तरीके से सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब मैं चलती हूँ इसकी ग्रेवी बनाने। तो एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा, हींग, हरी मिर्च और अदरक डाली है। आप चाहें तो लहसुन प्याज में इसकी ग्रेवी बना सकते हो, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है लहसुन प्याज डालने से, टमाटर की ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने 3 टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। और ख़ास तौर से मेरे यहाँ लौकी के कोफ्ते तो टमाटर की ग्रेवी में ही बहुत पसंद की जाती है। अब इसे ढक के हम पका लेते हैं। यहाँ मैं बचे हुए और मसाले डाल रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि उसका पूरा कच्चापन खत्म ना हो जाए, और मैंने इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया है। बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। बारी आती है इस कोफ्ते के साथ, अगर आपने 1 कटोरी भर के मटर डाल दिया ना तो बस मजे ही आ जाते हैं इस सब्जी के। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर डाल दिए जो कि मैंने अभी फ्रोजन करने रखे हुए, अभी सीजन में भी आ रहे हैं पर मैं फ्रोजन कर ही रही थी तो वही थोड़े से मटर डाल दिए इसके अंदर, क्योंकि आज सब्जी मैं कुकर में नहीं बना रही तो इसलिए ये मटर गलने चाहिए। साइड से मैं सलाद भी काट रही हूँ। सलाद जब भी मैं ऑफिस भेजती हूँ तो उसका टिफिन अलग ही बना लेती हूँ। जब मटर बहुत अच्छे से पक जाए ना तब आप इसमें पानी डाल दीजिए ग्रेवी का, और हाँ कोशिश कीजिए साइड से गर्म करके ही डालें, जिससे ना बहुत बढ़िया ये सब्जी बनती है। जैसे ही सब्जी उबलने लग जाए अब इसमें कोफ्ते डाल दीजिए। कोफ्ते में भी अच्छे से जब रस चली जाएगी ना तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। बस ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की और कवर करके 2-4 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। ये सब्जी भी तैयार हो गई है, सब्जियां तो दोनों बन चुकी है। अब चलते हैं देखते हैं और क्या बनाने वाले हैं आज टिफिन के अंदर। तो यहाँ पर मैं पहले पराठा बना रही हूँ। वैसे तो आप रोटी के साथ आराम से सब्जियों को खा सकते हो, पर क्योंकि मुझे आपको ये पराठा दिखाना है, आप कभी भी बच्चों के टिफिन में या फिर दही के साथ ये टिफिन में मतलब ये पराठा डाल सकते हो। तो पराठा कैसे बना रही हूँ अभी, सबसे पहले इन पत्तों को देख लीजिए। ये पत्ते हैं मोरिंगा के पत्ते। आप समझ सकते हो मोरिंगा कितना ज्यादा हेल्दी होता है। मोरिंगा मतलब सहजन, सहजन की फली। साउथ इंडियन लोग मोरिंगा को बहुत ज्यादा खाते हैं, वहाँ होती भी बहुत ज्यादा है साउथ में ये चीजें। यहाँ पर मैंने सहजन की फली जो होती है ना उसकी काफी सारे पत्तियों को धो के एक तरफ रख दिया था, पानी निचुड़ गया है, तो मैंने करीब करीब 1/2 कप ये पत्तियां ले ली हैं। 2 पराठों के लिए इनफ होगा। और इन पत्तियों को और 1 हरी मिर्च को मैं चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के बाद इसे एक कटोरी में निकाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ देती हूँ। वैसे ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती है, पर आपको जरा सा भी लगे कि कड़वी ना हो तो थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। मैंने डाल दिया इसमें बहुत थोड़ी सी मिर्चें, हल्दी पाउडर। बस इसे एक तरफ रखिए। अब चाहे तो आप पूरा इसे मोरिंगा से बना सकते हो या इसको आटे में गूंथ सकते हो, पर क्योंकि मैंने आटा पहले ही सादा आटा गूंथ के रखा है आज गेहूं के आटे का, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा ना पनीर ग्रेट के डाल रही हूँ, जैसे कभी जरा सा आलू हो तो वो ग्रेट करके डाल दीजिए, जिस बहाने से ना बच्चे लोग खा सकें। अब नॉर्मल जो गेहूं का आटा है ना हमारे पास, उसकी 2 लोइयां मैंने ली हैं और इस तरीके से पतली और बड़ी बेल दी हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है आटे को। अब इसके बीच में हम इस मिश्रण को रख देते हैं और चारों तरफ से फोल्ड करते हुए मैं इसको वापस से थोड़ा सूखा आटा लगा के इसे बेल लेती हूँ। और बेलने के बाद इसे पराठा बना लीजिए। पराठे के टाइम आप नॉर्मल कोई भी घी न लगाएं तो भी चलेगा, बहुत हेल्दी पराठा बनता है ये। और इसकी सहजन की फली का भी पराठा मैंने आपको बना के दिखाया था। बच्चे लोग सहजन की फली नहीं खाते हैं तो इस तरीके से वो खा सकें, तो अभी तो ये मैं पत्तों को यूज़ किया है। तो देखिए पराठा कितना बढ़िया फूल भी रहा है। अगर टूट जाएगा ना तो नहीं फूलेगा। आपने देखा था ना पहला पराठा थोड़ा टूट गया था तवा गर्म होने की वजह से, तो नहीं फूला था। सेकंड वाला पराठा क्यों फूला, क्योंकि वो टूटा नहीं। और हाँ जब भी आप कोई फिलिंग डालते हो जरा सा आटा जरूर आप ऊपर से बुरक लिया कीजिए, जिससे पराठा बहुत बढ़िया पतला और फूला हुआ पराठा बन।
और एक बात, अब ये पराठे तो बनकर तैयार हो गए हैं, कभी कभी मैं इन पराठों को सिर्फ इसके साथ भी यूज करती हूँ, वो क्या है चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने दो पीस ब्रेड ले लिए हैं, इसके साइड कट करके इसके चौकोर पीस कट कर लिए हैं। अब वो टिफिन का मैंने बॉक्स ही ले लिया है, उसमें नीचे थोड़ा फेटा हुआ दही डाल देती हूँ, ऊपर से ब्रेड डाल देती हूँ थोड़े से पीसेस, फिर बीच बीच में दही डालती जा रही हूँ फेटा हुआ, फिर बस इसमें थोड़ी मीठी चटनी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ और फिर हरे धनिये से गार्निश कर देती हूँ। बस ध्यान ये रखें, जब भी आप ब्रेड का इस तरीके से दही बड़ा बनाएं तो दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, जिससे थोड़ी देर बाद वो ड्राई ना हो पाए। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप सब्जी बनाओ, कभी कभी इस तरीके से भी बनाएं, साथ में पराठा और बढ़िया सा दही बड़ा, पूरा टिफिन खाली होके आएगा। पर आज मैं आपको ये चार चीज़ें बताने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो मैं टिफिन में दो सब्जियां भी लगा लेती हूँ और टिफिन में पराठा और दही लगा देती हूँ, सलाद को मैंने अलग से रखा है। तो इस तरीके से मेरा ऑफिस टिफिन तैयार हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे हस्बैंड को एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है टिफिन में, तो दो सब्जी मैं हमेशा बनाती हूँ, भले ही बच जाती है तो उसी सब्जी को मैं रात को यूज कर लेती हूँ, लेकिन बनाती टिफिन में दो ही सब्जियाँ हूँ। आपके यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ये टिफिन कैसा लगा मुझे ये भी बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।